हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बॉन्ड्स। हम आज पढ़ेंगे बॉन्ड्स और बॉन्ड्स के फीचर्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो ये सब की डिटेल हमने पढ़ चुके हैं। तो ये भी क्या आता है, बॉन्ड भी हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में आता है। जैसे कि ये भी एक फाइनेंस को कलेक्ट करने का सोर्स है, किसके लिए, कंपनी के लिए। अब कंपनी इसके थ्रू कैसा फाइनेंस कलेक्ट करती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग। तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कंपनी को जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और ये कंपनी का ओन कैपिटल होता है, ओन मतलब खुद का, नहीं ये कंपनी का ओन कैपिटल नहीं होता है, ये कंपनी का बोरोड कैपिटल होता है। तो बॉन्ड के थ्रू अगर कोई पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करता है अमाउंट, तो वहाँ क्या होता है, वो कंपनी का क्या बनेगा, वो कंपनी का क्रेडिटर बनेगा और वो क्या करेगा, कंपनी को एक बोरोड फंड प्रोवाइड करेगा। कंपनी के लिए वो जो पैसा देगा वो पैसा कंपनी के लिए क्या रहेगा, डेब्ट रहेगा, कर्जा। ओके, सो इस तरीके से बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कंपनी के लिए क्रेडिटर हो गए, ये कंपनी को कर्जा प्रोवाइड करते हैं, डेब्ट एक तरीके का लोन प्रोवाइड करते हैं, और कंपनी इनको क्या देती है रिटर्न में। अगर समझ लो आप ये बॉन्ड होल्डर बनते हो, मतलब आपने किसी कंपनी का बॉन्ड परचेज किया। बॉन्ड क्या है, एक रिसिप्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जो ये शो करता है कि तुम उस कंपनी के क्या बनोगे, मतलब कंपनी तुम्हारी कर्जेदार बन जाएगी अगर तुमने क्या लिया, बॉन्ड लिया। तो इस तरीके से बॉन्ड ये शो करता है। अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपने कंपनी को तो पैसा दिया ना बॉन्ड के थ्रू, आपने 10,000 का लिया, 50,000 के लिए, लेकिन उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, तो उसके रिटर्न में कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या होता है कि जो बॉन्ड होल्डर रहते हैं उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स के फीचर्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि बॉन्ड क्या होता है। ओके, नहीं समझा तो वापस देखना थोड़ा। तो चलो, तो फीचर्स क्या होते हैं, अब फीचर्स में क्या आ गया कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ फाइनेंस। नेचर ऑफ फाइनेंस से क्या समझ में आता है कि ये जो पैसा है बॉन्ड के थ्रू हमें जो फाइनेंस मिलेगा, जो कंपनी को फाइनेंस मिलेगा, उसका नेचर क्या है। तो उसका नेचर ये है कि वो एक डेब्ट कैपिटल है कंपनी के लिए, वो एक लोन है कंपनी को। उसको क्या करना है, कुछ सर्टन पीरियड के बाद एक मैच्योरिटी डेट पे क्या करना होगा, वो अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो नेचर ऑफ फाइनेंस रहता है ये एक लॉन्ग टर्म अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, कंपनी को। कितना लॉन्ग टर्म, 5 years, 10 years, अराउंड इतने साल का। तो यहाँ मतलब ज़्यादा साल के लिए हमारे बॉन्ड होल्डर क्या करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। तो ये हो गया इनका नेचर ऑफ फाइनेंस कि ये क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म बॉरोड कैपिटल कंपनी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर। बहुत कम टॉपिक है बट ये जो टॉपिक है ये आता है एग्ज़ाम में, मतलब नोट्स में आता है, शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स के लिए। समटाइम इसी को क्वेश्चंस को घुमाकर ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है या डिस्टिंग्विश में किसी तरीके से भी आ जाता है, बट ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे भी यूज़ होगा ये। तो हम देखते हैं, तो स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर मतलब जिसने इन्वेस्ट किया, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका स्टेटस क्या रहेगा, आपका जो स्टेटस रहेगा वो कंपनी में क्या रहेगा, एक क्रेडिटर का स्टेटस रहेगा कि आप उस कंपनी के क्या रहोगे, एक क्रेडिटर रहोगे। तो यहाँ अगर आप क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर को आपको वोट देने का कोई राइट्स नहीं है, आपको मीटिंग अटेंड करने का कोई राइट्स नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास कोई राइट्स नहीं मिलेगी, आपका स्टेटस क्रेडिटर का है, आपको आपका रिटर्न मिलेगा यही। ओके, ये समझा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स मतलब वो जो बॉन्ड्स में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने या मैंने, किसने भी, अगर हमने बॉन्ड्स परचेस किया है तो उसके ऊपर हमें रिटर्न क्या मिलेगा। तो वो जो पैसा रिटर्न मिलेगा वो मिलता है इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया। तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो अभी कितना मिलेगा, 10%, 12%, जितना भी मिलना रहेगा वो बॉन्ड सर्टिफिकेट पे पहले से मेंशन रहेगा कि आपको कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा, कितने परसेंटेज। तो उस तरीके से रिटर्न ऑन बॉन्ड वो हमें मिल जाता है इंटरेस्ट, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी लॉस में जाए, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आए,
उससे बॉन्ड होल्डर को कुछ लेना देना नहीं है, बॉन्ड होल्डर को उनका पैसा चाहिए, तो इस तरीके से बॉन्ड होल्डर को उनका रिटर्न मिलता ही मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रीपेमेंट। रीपेमेंट से समझ में क्या आता है कि ये जो बॉन्ड्स है उनका रीपेमेंट कब करना, तो उनका जो रीपेमेंट कौन करेगा, वो आपने कंपनी को पैसा दिया है, तो जो रीपेमेंट करेगी वो भी कौन करेगी, कंपनी करेगी। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टन पीरियड के बाद, सर्टन मतलब 5 साल 10 साल, जो एक मैच्योरिटी टाइम रहता है, जितने साल के लिए आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उतने साल के बाद आपको क्या मिल जाता है, जैसे 5 साल हो गए, 5 साल तक आपको कंटिन्यूस कोई एक सर्टन डेट रहेगी कि इतने मंथ के गैप में, 6 मंथ में या 1 साल में आपको हर बार इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन जो आपका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा वो कब मिलेगा कि हाँ 4 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया था कंपनी में, तो 4 साल हो गया तो आपको आपका पैसा क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से रीपेमेंट कंपनी कर देती है कि आपका मैच्योरिटी डेट आया तो अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे बॉन्ड्स और उसके फीचर्स। तो बॉन्ड्स के फीचर्स भी बहुत कम है, टॉपिक भी बहुत ईजी है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो और आपको समझ गया हो कि बॉन्ड क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।